हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ मलकापुर कोर्ट में और मेरे साथ है एडवोकेट नितिन जाधव सर। उनसे हम कुछ एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे लीगल प्रोफेशन के बारे में, और साथ ही उनसे ये भी जानेंगे उनके व्यूज़ रिगार्डिंग द क्रिमिनल कोर्ट फंक्शनिंग ऑफ मलकापुर कोर्ट। तो जाधव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले समय दिया हमें इसके लिए। हम ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पर लॉ कॉलेज कहाँ है मलकापुर में? मलकापुर में प्रॉपर तो लॉ कॉलेज नहीं है। मलकापुर जो हमारा टाउन है, यहीं तो आजू बाजू के जो सिटीज़ है, जैसे जलगांव हो गया, वहाँ पे मनियार लॉ कॉलेज है और एक इंस्टीट्यूट है लॉ कॉलेज का वहाँ, और उसके अलावा बुल्ढाना में है, उसके बाद में खामगांव में है और अकोला में है। अच्छा, मोस्ट ऑफ पीपल्स जो है, जो पढ़ के आए हैं वकील लोग, वो जलगांव और औरंगाबाद, अच्छा, ये जो दो शहर है वहाँ से पढ़ के आए हैं मलकापुर। अच्छा। के जो मोस्ट ऑफ वकील लोग हैं। आपने कहाँ से किया सर? मैंने जलगांव से किया है। अच्छा। एसएस मनियार लॉ कॉलेज। ओके 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 सर, मुझे ये पूछना चाहता था कि एक लीगल प्रोफेशन करके ये कितना पॉपुलर है मलकापुर में? मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि 12th के बाद अगर कोई लड़का पास होता है बीकॉम या तो बीए, ये तो साइंस तो बाजू में रखेंगे, तो जो पास होने वाले में से कितने लोगों को लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं आपके यहाँ पे? देखिए, इसके पहले कुछ सालों के पहले तक तो ऐसा था कि जो इंजीनियरिंग या तो फिर मेडिकल और उसके अलावा जो अच्छी सैलरी देने वाले जो प्रोफेशंस थे या तो फिर जॉब्स देने वाले एजुकेशन था, उसके तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था और वो उसी तरफ जा रहे थे बच्चे। लेकिन उसके बाद अभी सारा सिनारियो चेंज हुआ है, हर जगह लॉ से रिलेटेड वैकेंसीज क्रिएट हुई है। वो फिर अपने जो इंडस्ट्रियल सारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी उसका ज़रूरत गिरने लगी है अभी, तो ये जो लॉ फील्ड है इसके तरफ बच्चों का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले तीन चार सालों से। अच्छा ये है, और NLU जैसे जो इंस्टीट्यूट है, और खाली अपने अपन अभी तक भारत के बारे में सोचते थे, अपने स्टेट के बारे में सोचते थे, अपना जो जहाँ पे अपन रहते वहाँ के जॉब के बारे में, या वहाँ पे जाके वकीली करना, इतना ही जो ये था। अब उसका जो क्षेत्र था, वो जो व्याप्ति थी, वो व्याप्ति पूरी वर्ल्ड वाइड होने के वजह से, और ये जो लॉ फील्ड है इसमें इंटेलेक्चुअल ये जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे डिमांड आने के वजह से अभी ये लॉ फील्ड की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब एक तरह से आपका कहने से मुझे ये लग रहा है कि कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, yes, कंपनियों में जॉब मिलना, तो दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी, yes, वो yes. बढ़ने के वजह से एक अच्छा फ्लो आ रहा है। ओके सर, अभी जैसे मैंने बहुत लोगों से यहाँ बात किया, यहाँ पे JMFC वगैरह के लिए बहुत सब लोग ट्राई करते हैं, तो मतलब मलकापुर में कोई क्लासेस चलाते हैं या लोग सिर्फ अपने बलबूते पे पढ़ते हैं, या क्या नागपुर जाते हैं, कैसे पढ़ाई कैसे करते हैं वो बच्चे? देखिए, यहाँ पे तो कोई क्लासेस की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ से जो क्लासेस जो है वो जलगांव, औरंगाबाद, नागपुर में भी अवेलेबल होंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि नागपुर में यहाँ से कोई जाता नहीं है, क्योंकि नागपुर हमारे लिए डिस्टेंस ज़्यादा होने के वजह से यहाँ से ज़्यादा लोग जलगांव या औरंगाबाद प्रिफेयर करते, तो जलगांव में और औरंगाबाद में वो सारी सुविधा होने के वजह से, और एट दी मोस्ट जो बच्चे अच्छे घर इकोनॉमिकली जिनकी कंडीशन अच्छी है वो पुणे प्रेफर करते। ओके, तो ये तीन डेस्टिनेशन है जहाँ पे बच्चे लॉ के बारे में स्टडी करने के लिए या तो फिर जो उसके एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए ये तीन जगह जाते हैं। ओके सर, यहाँ पे जो लॉ बुक्स आते हैं, मतलब कोर्ट में कहिए कोर्ट लाइब्रेरी हो या जजेस लाइब्रेरी हो, तो ये बुक्स कहाँ से आते हैं? मोस्ट ऑफ तो जो यहाँ पे जो बुक सेलर आते हैं वो लेके आते हैं अपने
बुक्स बेचने के लिए यहाँ पे उनकी कोर्ट में ही दुकान लगाते बैठ के, या तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही तो फिर यहाँ से हमें जलगांव या तो अकोला या तो फिर जो नागपुर है हमारा हाई कोर्ट का प्लेस है तो वहाँ से हम किताबें मंगाते हैं। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ बाकायदा एक बुक सेलर कोर्ट में आता है? एक नहीं, बहुत सारे आते हैं। हर एक लगभग सारे पब्लिकेशंस जो है, हाँ, जो लॉ फील्ड में अपनी किताबें निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, वो लगभग हर पब्लिशर का उनका एजेंट आता है यहाँ। मतलब ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये लोग औरंगाबाद, अकोला और कुछ लोग नागपुर से भी आते हैं। अच्छा, बम्बई में वगैरह से कोई नहीं आता है? नहीं नहीं। ओके सर, ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जो उसका जो ऑफिस है, सो समबडी वांट्स टू रजिस्टर अ कंपनी इन मलकापुर, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस कहाँ है? मलकापुर है या कहीं और है वो? इसका ऑफिस अभी मलकापुर, जो उसका टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो नागपुर में है अभी फिलहाल। अच्छा, तो अगर कंपनी एक्ट के तहत अगर रजिस्टर करवाना है तो नागपुर उसके लिए उसका ऑफिस अच्छा है, वहाँ पे जाके उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नागपुर। सर, ये चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस कहाँ है? मलकापुर का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो तो जो कमिश्नर ऑफिस है वो अमरावती में था, चैरिटी कमिश्नर, और जो बुल्ढाना में है वो असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस अच्छा है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है बुल्ढाना, वहाँ पे एडिशनल चैरिटी कमिश्नर बैठते हैं। ओके सर, यहाँ पे आर्बिट्रेशन मैटर्स, मतलब आर्बिट्रेशन कितना प्रचलित है? मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, क्या है? आर्बिट्रेशन तो हम हमारे जो मैटर्स है तो ज़्यादा करके तो ये जो बैंक्स वगैरह के जो मैटर्स है तो उसमें हम एज एन रिस्पोंडेंट ही जाते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन तो मलकापुर में आर्बिट्रेशन की जो खाली बुल्ढाना से जो डिसाइड हुए मैटर आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उसमें ही हमारा अपीयरेंस रहता है यहाँ पे। ओके सर, फैमिली कोर्ट कहाँ है यहाँ पे? फैमिली कोर्ट अभी मलकापुर में, मलकापुर के लिए इस्टेब्लिश नहीं है, तो जो फैमिली के बारे में जो मैटर्स है तो जो क्रिमिनल से रिलेटेड जो मैटर्स है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनके सामने चलते हैं, और जो मैट्रिमोनियल जो दूसरे हिंदू लॉ के से जो गवर्न होते हैं तो वो सीनियर डिवीज़न में, यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीज़न है वहाँ पे वो मैटर चलते हैं। उसके अलावा जो मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स है वो जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने चलते हैं। ओके सर, ये कंज्यूमर फोरम का कोई अलग आपके यहाँ कहाँ है कंज्यूमर फोरम? ये कंज्यूमर फोरम मलकापुर के लिए बुल्ढाना है। अच्छा, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही जगह है कंज्यूमर फोरम, और वो बुल्ढाना में। बुल्ढाने में एमएससीटी का मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लेम का कहाँ होता है क्लेम? एमएससीटी का जो अभी तक बुल्ढाना में चलता था, अभी 6-8 महीने पहले वो सारे मैटर्स वहाँ से जो मलकापुर जुरिडिक्शन के है वो सारे ट्रांसफ़र हुए हैं मलकापुर के। वो अभी मलकापुर में तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट नहीं है, लेकिन जो एडहॉक कोर्ट है हमारे यहाँ जादव साहब जो बैठते हैं उनके सामने ये सारे मैटर्स है। ओके, एमएससीटी के। ओके सर, लेबर कोर्ट कहाँ है यहाँ पे? लेबर कोर्ट बुल्ढाना में है। लेबर कोर्ट का भी जो जुरिडिक्शन है वो पहले अकोला में हुआ करता था, अकोला में लेबर कोर्ट हुआ करता था मलकापुर का जो जुरिडिक्शन है उसके लिए, लेकिन अभी बीते 10-1 साल पहले बुल्ढाना में लेबर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है। कोऑपरेटिव कोर्ट जो होता है, मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके अंदर के जो 91 के दावे वगैरह होते हैं तो उसका जुरिडिक्शन किसके पास है? जो कोऑपरेटिव कोर्ट है वो अभी अकोला में इस्टेब्लिश हुआ है और अकोला में वो कोर्ट काम करता है। अच्छा सर, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट के केसेस होते हैं यहाँ पे? हाँ होते हैं, यहाँ के जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है
वही जज साहब जो उनके सामने अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मैटर आता है तो एज एन रेंट कंट्रोलर जो जो उसमें कोर्ट की जो डेफिनेशन है तो वो सिविल जज ही उसमें काम करते हैं। सर ये जो मलकापुर कोर्ट है ये इसका एक लगभग क्या एरिया है? ये जो हमारा कोर्ट का प्रीमाइसिस है, ये कोर्ट का प्रीमाइसिस लगभग 11 एकड़ का है जो हमारे जानकारी के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो इतनी बड़ी प्लेस किसी तालुका प्लेस के कोर्ट को नहीं है जो हमारे को हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ी एरिया है 11 एकड़ की और इसमें लगभग 2 एकड़ इतने एरिया में जो कोर्ट की बिल्डिंग है वो इस्टेब्लिश की गई है और उसके अलावा जजेस क्वार्टर भी है। अच्छा। ये हमारे कोर्ट के प्रीमाइसिस में। अच्छा, कोर्ट के प्रीमाइसिस में जजेस क्वार्टर? जजेस क्वार्टर है। ओके ओके ओके। और सर एक ओवरऑल आप कुछ क्रिमिनल कोर्ट के फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जो शुरुआत यहाँ से होती है कि कोई ऑफेंस होता है, कोई ऑफेंस होने के बाद वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर होने के बाद उसका सबसे पहले आरोपी को अटक करना और वो जो सारी कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाती है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को कोर्ट के सामने लाया जाता है, उसको जो प्रोसीजर दी है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में वो उसके हिसाब से कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाता है विद इन 24 आवर्स जो अटक की है, जो अरेस्ट हुए हैं जो आरोपी उनको, और फिर कोर्ट उस पर वो तय करता है कि जो आरोपियों की या तो उन्होंने पुलिस ने अगर PCR मंगा है तो PCR ग्रांट करना है या उनको मैजिस्ट्रेट कस्टडी में लेके उनको जेल में भेजना है। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है, मैटर टू मैटर ये बात रहती है। और उसके बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो क्रिमिनल कोर्ट के सामने उसकी चार्जशीट दाखिल होती है, अगर वो मैटर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनके सामने अगर चलता है तो उनके सामने वो चार्जशीट दाखिल होती है। वो अगर वो सेशन कोर्ट का मैटर हो तो उसकी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो कंप्लीट करने के बाद निचले कोर्ट में दाखिल करके उसको सेशन कोर्ट में कमिटल के लिए भेजा जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो क्रिमिनल ट्रायल है जिसे अपन कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में एविडेंस के बाद में आरोपी का स्टेटमेंट और ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ती है। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि वो जो 156(3) का डायरेक्शन होता है दैट इन द कंडीशन के पुलिस स्टेशन नहीं ले रहा है तो उस तरह के केसेस भी यहाँ फाइल होते हैं क्या? यस होते हैं। तो 156(3) जो सेक्शन है उसके तहत अगर पुलिस वाले अगर कोई एफआईआर जो उन्होंने लेना चाहिए वो लेने से मना करते हैं तो उसके लिए अपन कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने और वो कानून में भी है कि उसके लिए अगर वो पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर है वो लेता नहीं है तो उसकी कंप्लेंट जो एफआईआर करने वाला है जिस जो पीड़ित है उसने जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस जिले के उनके सामने उसने कंप्लेंट करना जरूरी है और वो कंप्लेंट करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं होती है तो फिर वो कोर्ट में आ सकता है और वो कोर्ट में आके 156(3) के लिए यानी कोर्ट के द्वारा पुलिस के लिए डायरेक्शन देना कि पुलिस ने FIR रजिस्टर करना की जाए और वो FIR के तहत वो सारे मैटर की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दाखिल होते हैं। कुछ मैटर्स में ऐसा होता है कि कोर्ट को ये दिखाई पड़ता है कि इसमें FIR की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्राइम को डायरेक्टली अपन रजिस्टर कर सकते हैं तो कोर्ट वो उस हिसाब से उसको एज एन प्राइवेट कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकता है। ये सारी चीज़ें 156(3) जो सेक्शन है 156(3) के अंदर आती है। थोड़ा सा सर एक लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि अभी आपने बोला कि 156(3) के ऑर्डर के लिए
आपको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना पड़ता है। यस। तो जैसे हमारा बॉम्बे में ऐसा है कि सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इस तरह से क्योंकि हमको ये तीन जगह पे हमको वहाँ कंप्लेंट डालनी पड़ती है। यस। yes. तो आपके यहाँ सीधा मतलब सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और डायरेक्ट एसपी सर? यस यस। ओके। उसका रीज़न ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो रहता है, मुंबई के लिए जो सिस्टम बनी है पुलिस की वो थोड़ी एक जैसी है, लेकिन वो सारे ऑफिसेस मुंबई में होने के वजह से वो लोग इसलिए अगली वाली अथॉरिटी की तरफ जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी पुलिस का जो पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं, एसपी जो रहते हैं, वो होने के वजह से यहाँ पे दूसरी अथॉरिटी नहीं होने के वजह से यहाँ पे दूसरी और बड़ी उनकी एसपी के ऊपर की जो अथॉरिटी है उनकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास नहीं वो बात बनती है, वो भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते या तो कोई डायरेक्शन नहीं देते, तो वो परिस्थिति में अपन सीधे क्रिमिनल कोर्ट के लिए जा सकते हैं। 156। यस। तो जाधव सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और काफ़ी अच्छी जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी, तो आपने समय निकाला उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद।